सर साहब, आपने जो विडोज और ये डिवोर्सीज की जो प्रॉब्लम बताई, तो पॉलीगैमी किस तरह से इसका सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, नेचुरल बात है कि अगर एक शख्स के लिए ये जायज बता दिया जाए, जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग इसे नाजायज समझते हैं, इसे गलत समझते हैं, अगर परमिट कर दिया जाए और अगर मर्द रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस के साथ एक से ज़्यादा शादी करते हैं जिसमें वो हुकूक देंगे, राइट्स अदा करेंगे, पहले तो ये होगा कि जो लड़कियों की शादियों के ताल्लुक से माँ बाप परेशान होते हैं उनकी शादियाँ बहुत आसानी से हो जाएगी। उसके बाद ये होगा कि ये सारी विडोज़ और डिवोर्सीज जिन्हें अपनी ज़िंदगी अकेले बिताना पड़ता है, वो विडोज़ और डिवोर्सीज को भी लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है कि औरतों की तादाद तो लिमिटेड है, अगर मर्दों को इजाज़त दी जाती है तो कहाँ से वो औरतें आएगी? सबसे पहले ये 3 से 4 करोड़ औरतों की शादियाँ हो जाएगी और वो एक सेटल्ड ज़िंदगी बिता पाएंगी। जब मैं सुनता हूँ लोगों से कि फलां विडो हो गई हैं, उनके लिए कुछ फ़ंड जमा करो उनका ख्याल रखने के लिए, तो एक नेचुरल फंड सिस्टम है, उसके हस्बैंड उस पर स्पेंड करेंगे, उसके हस्बैंड जो उससे मैरिज करेंगे वो उस पर स्पेंड करेंगे, सोसाइटी में उस औरत के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह आप देखिए, इन कंपैरिजन हम देखते हैं कि सहाबा के ज़माने में ऐसा हुआ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे कि जैसे मिसाल के तौर पर जाफर रदिल्लाहु शहीद हुए, उनकी वाइफ अस्मा रदिल्लाहा अब वो बेवा बन गई हैं, उनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ है, इद्दत का पीरियड है, वेटिंग पीरियड 4 महीने 10 दिन का, 4 महीने 10 दिन गुजरते हैं और ख़त्म होते ही उनके सामने 3 प्रपोजल्स हैं, उन्हें ये सोचना पड़ रहा है कि मैं इनसे निकाह करूं या इनसे करूं या इनसे करूं। फातिमा बिन्त कैस रदी अल्लाहु अन्हा, उनके बारे में आता है कि उनके शौहर ने उनको डिवोर्स दे दिया, तलाक आज भी होता है। जब उनके शौहर ने डिवोर्स दिया, यहाँ पर इद्दत का पीरियड ख़त्म हुआ और उनके सामने 3 प्रपोजल्स थे, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मशवरा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इनसे निकाह करूं या उनसे करूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, वो तीसरे से करिए। आपको उस ज़माने के कोई ऐसे फादर नहीं मिलेंगे जो अपनी बेटी की शादी के ताल्लुक से परेशान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज भी हो सकती हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी के शौहर का इंतकाल होता है और वेटिंग पीरियड ख़त्म होते ही उसके पास प्रपोजल्स हो लाइन से और वो सिलेक्ट करे? ये बहुत इजी सिनेरियो है, इसीलिए था कि जी, शादियां जी, मतलब ये एक सोल्यूशन है, एक बहुत ही नेचुरल सोल्यूशन है इतने बड़े प्रॉब्लम का।